नेशनल हाईवे ठप रहा। हिट एंड रन कानून का मतलब है भी ट्रक ड्राइवरों ने किया विरोध। ड्राइवरों ने हाईवे को किया जाम। हाईवे पर 8 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। सरकार के द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में लगातार ट्रक ड्राइवर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में इस कानून का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका साहस उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में भी देखने को मिला, जहाँ ट्रक एवं लोडबस ड्राइवरों ने नए के दिन हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके करीबन 8 किलोमीटर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई है। यहाँ जाम काफी देर तक लगा रहा। जाम सुबह 10 बजे शाम करीब 4 बजे तक लगा रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ड्राइवरों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। ललित पद्मा मित्र समाचार 24। जो भी मांगे थी समझा बुझा करके खुलवा दिया गया है और इस समय कैसे चल रहा है आप देख सकते हैं। आखिर क्या स्थिति रही सर, इतने टाइम से लगा था हाईवे से जगह पर जाम। देखिए अपनी कुछ मांगे थी, कुछ ग्रीवेंसेस थे, हम लोगों ने जो है समझा बुझा करके खुलवा दिया, कोई वैसी बात नहीं। बालकृष्ण नाम है भैया, मतदान से बताया जाम लगा रखा है। ये जाम इसलिए लगा रखा है भैया, हम लोग गरीब आदमी है, ड्राइवर आदमी है, हम ड्राइवर आदमियों के ऊपर सरकार ने इतना अत्याचार ये कर रखा है, इतना हमारे ऊपर ये जुर्म लगाया है कि 7 लाख 10 लाख रुपया जुर्माना हम ड्राइवर लोग देंगे, 10 साल की सजा काटेंगे। सरकार का कहना है कि अगर कोई घटना होती है तो ड्राइवर उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा। जो अगर ड्राइवर के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, जनता उसको ड्राइवर को मारती है, उसके बारे में सरकार ने क्या सोची है? अगर ड्राइवर लोगों के पास ये 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए होते तो ये काल के काल में ड्राइवर लोग क्यों चलते, क्यों अपना मतलब जो भी बच्चे घर परिवार को छोड़ के आते? आज ड्राइवर को ये पता नहीं है कि हम घर से भी बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं कि लौट के हम भी बच्चों के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम एक ऐसा काम है कि हर समय काल का काल रहता है। उसके बाद हमारे ऊपर इतना जुर्म कर दिया कि 10 साल की सजा हम लोग काट के आएंगे, तब तक हमारे बच्चे भूखे मरते पाएंगे? हम हमारा जिंदा रह के रहने का मकसद क्या रहेगा? हम क्यों जिंदा रहेंगे? हमारी सरकार से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो पहले कानून है वही कानून बना के रखें और जो नया कानून बनाया है उसको सरकार वापस ले। इसी के लिए मैं अपने दो बात सत्र के